जी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है हमारा, IGCSE का, ओ लेवल्स का, मई जून 14-22 का क्वेश्चन 7। ए एंड फ्लोरा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, देयर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 जनवरी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2014। यानी साल जो है वो खत्म हो रहा है 31 जनवरी 2014 को, और हमें उसने क्वेश्चन में अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिया है। मतलब सामने जो आपके नजर आ रहा है ये बेसिकली अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर लोन इंटरेस्ट। इसलिए याद रखिएगा कि आप लोन इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। इसलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया हुआ है हमें वो आफ्टर लोन इंटरेस्ट दिया है, लोन इंटरेस्ट के बाद का, क्योंकि लोन इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दी हुई है ईएन की 200 की, फ्लोरा की 300 की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 3,600, पार्टनरशिप सैलरी दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कहते हैं कैलकुलेट द मैकमिलन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी। ईएन का प्रॉफिट लॉस शेयर निकालना है तो हम दोनों का निकाल सकते हैं। कैसे? कैलकुलेटर पकड़े, 10,050 में से आप क्या करेंगे, मैं अभी इसके ऊपर भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, आपसे भी साथ साथ मैं वो गाइडलाइन देता जाऊंगा। 10,050 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर देंगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर देंगे, 10,050 प्लस 500 कितना हो जाएगा जी, 10,050 है ना, 10,050। उसमें से हम 6,600 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से जो मजीद आपका है 5,000 वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जी जी ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा 1050। अब आपको पता है कि उनका जो शेयर है आपस में वो इक्वल है, आधा जो लॉस है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको और आधा लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, शेयर ऑफ लॉस है। और वो कितना बनेगा, 1050 का हाफ कितना बनता है, 525, दैट इज द लॉस व्हिच ही हैज टू सस्टेन। शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा, लिख लें आपका शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर लोन इंटरेस्ट में से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दोनों ऐड करके लिखे हुए माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 3950। उसमें से पार्टनरशिप सैलरी माइनस कर देंगे 5,000, 1050 आपका लॉस आ गया। उस लॉस को आप शेयर कर लेंगे इक्वली तो शेयर ऑफ लॉस आपका आ जाएगा 525 का शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, मेरे हाथ से लगे लग रहे बॉल पेन का, जी आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म से जो है वो क्या पूछता है, नेक्स्ट वो कहता है जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन 1 फरवरी, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस 50,000-60,000 दोनों का, करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 3,000 क्रेडिट है, दूसरे का भी 2,000 क्रेडिट है। ऑन 31 जनवरी ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट 5,000, करंट अकाउंट से 31 जनवरी 2014 में आपने ट्रांसफर किया है करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में कितना, 5,000। और लोन इंटरेस्ट क्रेडिट टू करंट अकाउंट 450 है, जो कि पहले भी हम माइनस कर चुके हैं, बनाना क्या है हमने अब, अच्छा आगे भी है फॉर द ईयर एंडेड जो ड्रॉइंग्स दी हैं दोनों की, मेरे ख्याल है वो कहेगा करंट अकाउंट आएगा, हम दोनों का करंट अकाउंट बना देते हैं, तो क्योंकि इसमें एप्लीकेशन की चीजें नहीं आनी है इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। बताता हूँ पहले मैंने बनाया है, करंट अकाउंट ठीक है, दोनों का बना देते हैं। करंट अकाउंट किस किस का है, क्या क्या नाम है, जरा ईएन है, कौन है, अकाउंट्स आपका आ जाएगा ये ईएन का और फ्लोरा का, इस तरह क्रेडिट साइड पे भी आपका आ जाएगा जी नाम ईएन का फ्लोरा का, अकाउंट बना लेते हैं हम, बहुत ही आसान है।
सबसे पहले बेटा आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो हम लिखेंगे यहाँ पर यानी करंट अकाउंट के अंदर आप लिखेंगे ब्रॉड डाउन के नाम से, ब्रॉड डाउन बैलेंस आपका आ जाएगा। हम देखते हैं नीचे क्यों कितना दिया हुआ है करंट अकाउंट का बैलेंस, नीचे क्वेश्चन में बताया हुआ उसने। करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 3000, डेबिट है या क्रेडिट है? पहला डेबिट लग रहा है मुझे, करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट है, 3000 डेबिट है और 2000 क्रेडिट है। ईएन का डेबिट है, ईएन का डेबिट सेट भी आ जाएगा ब्रॉड डाउन 2000 और उसका क्रेडिट है 3000। ओके 3000 डेबिट भी आ जाएगा, उसका क्रेडिट है वो क्रेडिट पे आ जाएगा ब्रॉड डाउन के नाम से। फ्लोरा का नहीं जी, वो है 2000। शेयर ऑफ लॉस है, याद रखिएगा शेयर ऑफ लॉस क्रेडिट पे नहीं आएगा बल्कि किस पे आएगा, डेबिट पे आएगा। वो कितना है 525, क्या दूसरे का भी 525। वैसे उसने क्वेश्चन में एक का बनाने को कहा लेकिन मैं दोनों का बना रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे जी क्रेडिट साइड पर सैलरीज आ जाएंगी, और क्या आ जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। देखते हैं जी सैलरीज कितनी दी हुई है जी। सैलरीज आपको पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि वो भी आपने ट्रांसफर करनी है। सैलरी फ्लोरा की है 5000, वो उसके हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सैलरीज फ्लोरा की 5000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का है, एक का जो है ईएन का 3000 है, उसका 3600 है। चेक भी कर लेते हैं, दिया भी होगा जी 3600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 200 और 300 की, वो डेबिट साइड पे आ जाएगी आपकी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200 की और 300 की, उसके बाद ड्रॉइंग्स आ जाएंगी आपकी जो आपने लिखनी है। वो देखते हैं दोनों की कितनी कितनी दी हुई है। 4000 और 6000, ईएन की 4000 है उसकी 6000 है, वो लिख लेंगे जी ड्राइंग्स 4000। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने जो लोन पे इंटरेस्ट था वो भी ट्रांसफर करना है, तो लोन इंटरेस्ट क्रेडिट टू करंट अकाउंट 450 है, और लोन पे इंटरेस्ट किसको मिल रहा है ये तुम्हें देखना पड़ेगा ना, ईएन को मिल रहा है उसके कॉलम में लिखा हुआ है ना, ईएन का आ जाएगा लोन इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद उसने नई चीज एक बताई है जो पहले सवाल में बताई थी, मैं आपको घर पर आ गया था, मैंने कहा था सोचिंग कर भी लेना, लेकिन अब क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम इसको सॉल्व भी कर लें। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट 5000, करंट अकाउंट से पैसे निकाल कर हमने ट्रांसफर कर दिए किसमें, कैपिटल अकाउंट में, यानी कैपिटल 5000 से बढ़ जाएगा। फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट, कैपिटल 5000 से कम हो जाएगा तो उल्टा भी हो सकता है, और करंट अकाउंट जो है 5000 से हमारे बढ़ जाएंगे तो हम किस साइड पे लिखेंगे, करंट अकाउंट जब इंक्रीज होंगे तो किस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पर। नाम किसका आ जाएगा, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की वजह से जो है ये पैसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो कितने हैं 5000। बस लोन इंटरेस्ट भी क्रेडिट कर दिया, पैसे करंट अकाउंट से ट्रांसफर भी हो गए आपके। इसका अब हम टोटल कर लेंगे, टोटल हम करते हैं ये आपका आ जाएगा 8450। सर जो 525 है उसको हम नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे, हाँ डेबिट पे लिखेंगे ना, नेगेटिव माइनस डालना, नहीं माइनस नहीं डालना, नेगेटिव का मतलब डेबिट साइड तो है ही नेगेटिव, करंट अकाउंट जो है उसकी राइट साइड पे करंट अकाउंट में इजाफा हो रहा है और डेबिट साइड पे करंट अकाउंट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है।
ये क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस अगेन कैरी डाउन, नहीं 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 याद किया तो 8450 क्राइटेड बड़ी है ना, वो माइनस करेंगे 8450 में से 725। हाँ ठीक है 725 आपका आ जाएगा। इसको दोबारा चेक कर सकते हैं आप कैरी डाउन, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट डे का बन जाएगा ब्रॉट डाउन 725। इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि आप 8450 में से माइनस कर दें 7200, ये 12 और ये 725 ही बचेगा। अब दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे का भी क्रेडिट साइड बढ़ी ही आ रही है और वो कितनी आ रही है 10600 आ रही है मेरा ख्याल क्रेडिट साइड भी आ जाएगा 10600, माइनस कर देंगे आप 6000 माइनस 300 माइनस 525 तो ये कितना आ जाएगा जी आपका 3775। ये आप इसके अकाउंट में भी ब्रॉट डाउन लिख लेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं अब आगे क्वेश्चन में हमें मजीद वो क्या कहते हैं और उसको भी हम वो डिस्कस करते हैं अभी। जी देखते हैं जी हम जी प्रिपेयर द करंट अकाउंट हमने बना दिया। नेक्स्ट कहता है सजेस्ट वन रीजन फॉर द डेबिट बैलेंस ऑफ इयान मैकलिन करंट अकाउंट ऑन 1st February 2013। डेबिट बैलेंस वो कह रहे हैं कैसे जो है वो हुआ है। एक तो ये कि मे बी ही हैज गॉन फॉर मोर ड्रॉइंग्स और मे बी देयर इज गोइंग टू बी ए लॉस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉसेज हैं क्योंकि शेयर ऑफ लॉस आ रहा है तो मे बी दैट इज द प्रीवियस लॉसेज विच हैज बीन सस्टेन्ड इन द पार्टनरशिप। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग बोथ ए कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। देखिए हर पार्टनर को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मेंटेन करने का फायदा जो वो क्या होगा capital will remain fixed so we can calculate interest on capital on the capital amount interest okay. on capital can be calculated if the fixed capital is given and all the profits and other things which are related to profits will be dealt through current account so ye dono fayde hain current account is a part of capital account profit interest on capital salaries theek hai na are going to be dealt through current account and capital will remain fixed कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज़ वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवरीथिंग रिलेटिंग टू द डिसबर्समेंट ऑफ प्रॉफिट्स विल बी डी वेल डेल्ट इन द करंट अकाउंट में डेल्ट करते हैं उसको करंट अकाउंट में यूज करते हैं करंट अकाउंट में मूव करते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट डिसबर्समेंट एवरीथिंग रिलेटेड relating to profit disbursement will be dealt through current account. ठीक है आगे कहते हैं जी the partner are concerned about the change in the collection period ratio for trade receivable. They provided the following issuance period of credit allowed to customer 30 days है और कलेक्शन पीरियड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 24 डेज है और नेक्स्ट ईयर जो है 29 डेज। कमेंट ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। देखें बड़ा सिंपल सी बात है कि पहले हम 24 दिनों में कलेक्ट कर रहे थे पैसे ट्रेड रिसीवेबल से, अब कितने दिन लग जाते हैं हमें 29 दिन लग जाते हैं जबकि क्रेडिट पीरियड हमें कितना दिया है 30 डेज का। तो वी आर स्टिल एबल टू कलेक्ट इट विद इन द पीरियड बट इफ दे आर पेइंग अस इन 29 डेज सो देयर इज नो रीजन टू गिव देम डिस्काउंट। हम डिस्काउंट नहीं देंगे, मे बी 24 डेज में अगर वो पे कर रहे हैं तो हम उनको डिस्काउंट अलाउ करेंगे या हम आगे नेक्स्ट ईयर में उन्हें कहेंगे कि आप 24 डेज में पे कर दें ताकि हम अर्ली पेमेंट रिसीव कर दें क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड रेशियो हैज बीन गॉन वर्सन। लेकिन क्रेडिट पीरियड के अंदर ही अभी इतना हमने टाइम दिया तो हम उससे फर्क हमें कोई नहीं पड़ेगा, उसको सॉल्व करेंगे उस तरीके से ही, उस तरीके से इसको हम लेकर चलेंगे आगे कि हम कैसे जो है वो मैनेज करते हैं। समझ आ गई? ये रेशियोज का सवाल था इसलिए मैंने वैसे बताया, मतलब हमने भी वाइस वैसे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर 14-23 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो कहते हैं स्टेट टू एडवांटेज ऑफ बीइंग अ पार्टनर रादर देन अ सोल ट्रेडर।
जी पार्टनर का फायदा क्या है सोल ट्रेडर के मुकाबले में? जी लॉसेस जितने भी हैं सब शेयर कर रहे हैं, लॉसेस विल बी शेयर्ड, फिर स्किल एंड एक्सपर्टीज अदर पार्टनर्स विल बी शेयर्ड, फिर मोर कैपिटल इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है जी, फिर लार्ज बिजनेस है सोल ट्रेडर के मुकाबले में, ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं। वे कहते हैं शाहिद एंड हमजा हुसैन आर इन पार्टनरशिप एज गार्डनर्स, देयर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st जुलाई, दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन दिया हुआ है, इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग ईयर दिया हुआ है, मोटर व्हीकल एट कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से जो पैसे मिल रहे हैं वो है, वेजेस इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंसिस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है वेजेस इंक्लूड 1500 फॉर वर्क डन इन शाहिद्स प्राइवेट गार्डन। बेटा प्राइवेट गार्डन में अगर वेजेस आप डालेंगे तो उसका ड्रॉइंग्स कंसिडर किया जाएगा, वो उसके अकाउंट में शामिल इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, तो वेजेस में से हम क्या कर देंगे 1500 माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद 31st जुलाई को जनरल एक्सपेंसिस अक्रूड है 94 के, वो हम ऐड कर देंगे अक्रूड जनरल एक्सपेंसिस 3090 में। इंश्योरेंस रिप्रेजेंट कवर फॉर 14 months 30th September, 14 months की दी हुई है, हमारा साल 31st जुलाई को खत्म हो रहा है, इसका मतलब है अगस्त और सितंबर दो महीने की इंश्योरेंस जो है वो प्री पेड है, क्या करेंगे इंश्योरेंस की जो अमाउंट है ऊपर जो दी हुई है उसको डिवाइड करेंगे 1232 को 14 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपकी प्री पेड इंश्योरेंस आ जाएगी, 1232 को डिवाइड कर देंगे 14 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपकी प्री पेड इंश्योरेंस की अमाउंट आ जाएगी, निकाल के देख लेते हैं हमें आ ही जाए, वो है 1232 करो डिवाइड बाय 14, आंसर आता है देखें 1232 डिवाइड बाय 14 88, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, दैट इज गोइंग टू बी अवर प्रीपेड इंश्योरेंस 176 आ जाएगा, ये हम प्रीपेड इंश्योरेंस 176 इंश्योरेंस पे से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मोटर व्हीकल आर बीइंग डेप्रिशिएटेड At 20% per annum using the reducing balance method के जरिए हम निकाल लेंगे, तो मोटर व्हीकल दिया है 25,000 का, उसमें से 9,000 माइनस कर देंगे आपका आ जाएगा 16,000, उसका 20% 3,200 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी किसकी मोटर व्हीकल की। आगे लिखते हैं इक्विपमेंट कहता है वॉज वैल्यूड एट 3150 ऑन 31st July 2014, इक्विपमेंट हमारे पास दिया कितना का हुआ था पहले 2900 आमना प्लस 1150 और माइनस क्लोजिंग 3150, रिवैल्यूएशन मेथड के जरिए हम इक्विपमेंट की डेफिनेशन फाइंड कर लेंगे, राइट? तो उसने कहा आपने क्या बनानी है इनकम स्टेटमेंट बनानी है और आगे क्या कहते हैं जी एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कह रहा था, चलिए बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट हम और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आसान है नॉट डिफिकल्ट, इसको बंद कर देते हैं। इधर आपका आ जाएगा जी इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर और सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ सेल्स या रेवेन्यू, देखते हैं रेवेन्यू तो दिया नहीं हुआ क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है, इसमें जो रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स हैं वही हमारा रेवेन्यू है, कितना है 764 कितना है जी 764 जी, यही हमारा रेवेन्यू है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर हम लिख लेंगे, हम अपना रेवेन्यू ट्रीट करेंगे 7,6400 सर्विस बिजनेस है ना हमारा, गार्डनर है हम, तो इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, इनकम होती तो मैं इसमें मजीद ऐड भी करता, एक्सपेंसेस भी हैं तो मैं एक्सपेंसेस में से क्या कर दूंगा जी माइनस कर दूंगा, एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपके आ जाएगा जी वेजेस, वेजेस में आपको पता है कि उसने कुछ ड्रॉइंग्स शामिल की हैं जो आपको माइनस करनी पड़ेंगी, तो वेजेस 41,600 की है और उसमें ड्राइंग्स जो आपने शामिल की 1500 की 41,600 माइनस 1500 कितना क्या आता है जी 41,600 माइनस 1500 41,000 उसके बाद आपके आ जाएगा जी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से 1232 माइनस 176 क्योंकि प्रीपेड है,
माइनस कर देंगे 123 में 176 उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 3090 के वो अक्रूड है, कितने अक्रूड है भाई? 1090 प्लस कर देंगे हम 94, कितना आ जाएगा? 3090 प्लस 94 जी 3184। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन और मोटर व्हीकल कहते हैं, वो अगर आप देखें तो आपको मोटर व्हीकल की अमाउंट क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है 25,000 माइनस 9,000 और उसका 20% 25,000 माइनस 9,000 क्योंकि आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 16,000 और इसका 20% फिर आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जी कितना आ जाएगा जी? ये रिवॉल्यूशन मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 27960 जो हमने फाइंड आउट कर लिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर हम आगे चलते हैं इससे हम आगे उसने कहा जी हमने इनकम से बनानी है हमने बना दी है नेक्स्ट कहता है देखें द पार्टनर्स एग्रीड एग्रीमेंट ऑफ शाहिद एंड हमजा सेंट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड 3% पर एनम एंड एनुअल सैलरी of 9,000 per annum for Shahid Hussain. Share of residual profit are to be shared equally. On 1st August, the balance on the partner capital and current account was as follows. Capital account diya 80,000 and 60,000 and current account diya 2340 or 1960. Asal point is mein ye ki interest on drawing diye 3% per annum. Hai na? To drawings kahan hai? Jo usne nikali thi, bas sirf wahi drawings hai. Kyunki aur sawal mein di hi nahi. 1500 की ड्राइंग है एक ही बंदे की ये उसने जो है ना पॉइंट दिया था जिससे बच्चों को पॉलीमर वो सिर्फ शाहिद की ड्राइंग्स हैं 1500 की बाकी ड्राइंग उसने क्वेश्चन में नहीं दी तो सिर्फ शाहिद की ड्राइंग्स पर 1500 पर 3% जो है 45% जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम चार्ज करेंगे शाहिद की ड्राइंग्स पर भाई कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट तो दिए हुए शाहिद ड्राइंग्स आगे दी दी नहीं आगे ड्राइंग्स आगे आ गई ऑन 1st February शाहिद हुसैन withdrew 20,000 of his capital from the business. 1st February 2014 को उसने मजीद कैपिटल बिजनेस से निकलवा लिया 20,000 का. ड्राइंग्स और की है उसने 20,000 की.
एंड ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल drawings and interest on drawings for the year ended 31st July 2014 were as follows. ठीक है जी, तो drawings भी दी हुई है और interest on drawings से निकाल के दे दिया, तो आपको calculate करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, उसने 20,000 रुपया 1st February को निकलवाया है business से और 31st July की उसने drawings दी हुई है. Prepared the Puffalo's appropriation account of Shahid and Hussain for the year ended 31st July. Start with the profit for the year calculated in B. So profit पीछे निकाला है, उससे आपने start करना है और फिर हमजा हुसैन और उन दोनों का कह रहे हैं जी कि करंट अकाउंट भी आपने बनाकर दिखाना है, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन जो कि हमें ये वो सॉल्व करके हमें इसको तो हम करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. हाँ जी, असल में बात ये है कि जो ड्राइंग्स साल के एंड की दी हुई है ना, यानी कि 10,000 और 8,000, ठीक है ना, तो वही असल हमारी ड्राइंग्स कंसिडर की जाएंगी. ठीक है, जो साल के एंड की हैं, बाकी जो उसने ड्राइंग्स की हैं वो क्या. अच्छा जी, तो ये मैं कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सैलरीज भी हुई है और नीचे उसने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दी हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें दे दी हुई है. 10,000 का 3% 300 ही आता है और 8,000 का 3% 240 ही आता है वैसे भी, इसलिए ड्राइंग्स को हमें कंसिडर करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, वो एडजस्टेड है. कैपिटल को देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 20,000 रुपया उसने मजीद 1st फरवरी को बिजनेस से निकलवा लिया था शाहिद ने, तो बनाते हैं इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हम बनाते हैं शुरू हम करेंगे कहां से, आपको पता ही है प्रॉफिट फॉर द ईयर से हमने पीछे निकाला है और वो हमने निकाला है 27960 का 60. इसमें हम ऐड कर देंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमें ऑलरेडी निकाल के दी हुई है, निकाल भी सकते हैं लेकिन हमें दी हुई निकाल के, तो हमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए. शाहिद की और हमजा की, शाहिद की है जी 300, हमजा की है जी 240, वो हम ऐड कर देंगे और ऐड करके आगे लिख लेंगे, आपका 540 हम ऐड कर देंगे 27960 में, क्या आता है जी 3285 ओके. इसमें से हम लेस कर देंगे जी सैलरीज, सैलरी सिर्फ दी हुई है शाहिद की वो है 9,000, वो हम माइनस कर देंगे. आपको दोनों के दिए हुए, मतलब दोनों के दिए हुए का मतलब है कि दोनों की अमाउंट दी हुई है, वो आपने कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ. शाहिद का और हमजा का, पहले शाहिद की बात कर लेते हैं. शाहिद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए बेटा 80,000 का कैपिटल था उसका, 80,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि 80,000 सिर्फ 6/12 तक ही रहा है, बाकी अगला कैपिटल, अगला जो इंटरेस्ट आप निकालेंगे उस पर वो आपका आएगा, प्लस कर देंगे इसके अंदर, वो 60,000 पे आ जाएगा आपका इंटू 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि पहले 6 महीने जो उस पर इंटरेस्ट था, ये नहीं, पहले 6 महीने जो उस पर इंटरेस्ट था वो 5% के हिसाब से 6 माह का है लेकिन 80,000 पे, उसके बाद 1st फरवरी को उसने 20,000 निकलवा लिया था बिजनेस से, 24 निकलवा लिया था,
अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा 60,000 पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा 5% टू 6/12। हमजा का इंटरेस्ट तो उसके कैपिटल पर आना ही आना है, और हमजा का कैपिटल कितने है 60,000 पे, कितने परसेंट 5%। तो ये बेटा आपका आ जाएगा 3,000। इसका टोटल अगर आप करेंगे दोनों का कैलकुलेट करके, तो ये आपका आ जाएगा 3,500 या पर ले, क्योंकि 8,000 का 5% 6/12 आता है 2,000, और 6,000 का 5% 60,000 का 50% 5% इंटू 6/12 आता है 1,500। तो ये 3,500 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट निकालेंगे हम, उसके रीजन मैंने आपको बता दिया है। Okay, कैपिटल की अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है ड्यूरिंग द ईयर में, कैपिटल की अमाउंट जो है वो चेंज हो गई है, इस वजह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो साहिब का कैपिटल है वो 6 महीने 80,000 रहा है, और अगले 6 महीने वो चेंज होकर 60,000 हो गया, इसी उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट हमने अलग अलग निकाल कर ऐड की। हमजा का 60,000 पे पूरा 60,000 ही रहा है, तो बताएं क्या हमारा आता है जी प्रॉफिट शेयर। जी 19,500 माइनस 6,500 13,000। ये प्रॉफिट दोनों में शेयर हो जाएगा, शाहिद में हमजा में, कितना कितना 6,500 एंड 6,500। टोटल दोबारा जारी बात है वही बन जाएगा आपका, यानी कि 13,000। ये हमने इसको हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है, तो इस तरीके से हमारा बनना था। ठीक है जी, अब ने बनाने इसके क्या जी करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट उसने सिर्फ एक का ही बनाने को कहा है कि आप हमजा का बनाएं, लेकिन मैं दोनों के ही बना देते हैं हम, ताकि दोनों का हमें समझ आ जाए कि करंट अकाउंट जो है वो किस हिसाब से जो है वो बनने हैं। शाहिद हो, शाहिद का और हमजा का इधर भी आ जाएगा आपका, शाहिद और हमजा का बना लेते हैं। अच्छा सा बनाएंगे हम, देखिए सबसे पहले ब्रॉड डाउन देखते हैं करंट अकाउंट बैलेंस कितने कितने दिए हैं इस सवाल में, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। तो ब्रॉड डाउन करंट अकाउंट दिए हैं 2,340 शाहिद का क्रेडिट है, और उसका 1,960 डेबिट है। शाहिद का 2,340 क्रेडिट है, उसका ब्रॉड डाउन डेबिट है हमजा का 1,960। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम लिख लेते हैं प्रॉफिट शीट। प्रॉफिट शीट जो है वो सबसे पहले हम अकाउंट्स में डालते हैं, तो इसका चले जाएगा 6,500 और उसका भी चले जाएगा 6,500। उसके बाद आपकी आ जाएंगी जी सैलरीज, फिर आपका आ जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज देखते हैं एक की सैलरी है सिर्फ मेरे ख्याल है शाहिदी की सैलरी है, कितनी है 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शाहिद का जो है वो 3,500 है, जबकि उसका जो है वो 3,000 है। सर ये आप कहाँ से उठा रहे हैं बेटा, यहाँ से एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया यहीं से उठा रहा हूँ। 9,000 सैलरी है शाहिद अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जो चीजें यहाँ पे लेस हो रही हैं ऐड हो जानी है, यानी क्रेडिट हो जानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा हुआ 3,500 और 3,000 वो मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा जी डेबिट साइड पर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो है वो आपको दी है 10,000 की और 8,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा जी आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपकी आ जाएगी 300
240 की। उसने कुछ नहीं बताया ऐसी बात कि हमने कोई पैसे जो है वो करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में डाले या हमने पैसे कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में डाले, ऐसा हो सकता था ना। अगर पैसे निकालेंगे करंट अकाउंट में से डेबिट पे आएंगे, अगर डालेंगे तो क्रेडिट पे आ जाएंगे आपके। इस तरह कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे हम। अब टोटल कर लेते हैं इसका हम। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है एक की, तो दूसरे की मेरा ख्याल है कि डेबिट साइड शायद बड़ी है, लेकिन एक इसकी शायद की बताएं क्रेडिट साइड कितनी है जी। 102 जी 340 इधर भी आता आ जाएगा जी। ये कुछ ज्यादा बता दिया आपने, ज्यादा बता दिया आपने। 2340 है प्लस 6500 है प्लस 9000 है प्लस 3500 है, ये तो 21,340 बनता है। 21340 बनता है, वही मैं कह रहा था।